हेलो जी, हेलो। आज क्या बना रही हो? बन रहा है पूड़ी। तो पहल आज बना रहे हम पूड़ी स्पेशल। रिपब्लिक डे है इसीलिए आज स्पेशल पूड़ी बनाया जा रहा है घर में सभी के लिए। तो पहले हम डाल रहे हैं उसमें सूखी मेथी। ये देखो मैंने डाल दिया है आपके सामने सूखी मेथी। और फिर हम डालेंगे इसमें, जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि हम अजवाइन ज़रूर डालती हूँ पूड़ी में, अजवाइन डालेंगे। और डालने वाले थोड़ा सोडा भी ऐड कर लेते हैं, खाने वाला जो सोडा होता है ना उसको डाल सकते हो आप, क्योंकि उसमें और ज़्यादा सॉफ्ट बना जाता है, पर हम नहीं डालते हैं। और ये डाल दिया है मैंने अजवाइन आपके सामने, थोड़ा सा और डालूंगी। ये डाल दिया है मैंने अजवाइन, और फिर डालेंगे हम नमक, और इसके बाद हम आटा गूंदना शुरू करेंगे आपके सामने। ये देखो मैंने डाल दिया है नमक, अपने हिसाब से डालें आप। ये डाल दिया है और अब हम आटा गूंदना शुरू करेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे पूड़ी। तो आप देखना आज हम किस तरीके से बहुत सॉफ्ट वाली पूड़ी बनाएंगे और आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आज आपके सामने 5 मिनट लगेगा अभी आटा गूंद के आपके सामने बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आटा गूंद के तैयार होने वाला है और जितना आप इसे सॉफ्ट गूंदेंगे उतना ही ज़्यादा पूड़ी भी हमारा बढ़िया बनेगा। हमारा आटा गूंद के तैयार हो चुका है और अब हम पूड़ी बनाना शुरू करेंगे। उसमें तेल, ये देखो रिफाइंड, सॉरी रिफाइंड में ही हम लोग पूड़ियाँ बनाते हैं, चावल हम रिफाइंड में ही बनाते हैं जैसा आप सब देख रहे हो। लगे हैं और ये ले लिया है मैंने पेड़ा। तो आप थोड़ी सी हल्की सी मोटी बनाएं और ज़्यादा बड़ी ना बनाएं, थोड़ी मीडियम में बनाएं ताकि उसे सॉफ्ट बन रहे। ज़्यादा पतली करोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइटपन आ जाता है पूड़ी में, तो आप ज़्यादा पतली ना करें। ये देखो अभी हमारा तेल भी गर्म होने वाला है और हम फटाफट से इन्हें तलना शुरू बनाना मैं शुरू करूँगी। आप देखो मैं कैसे बना रही हूँ। मैंने ले लिया है थोड़ा सा तेल, लगा लिया है पूड़ी में और अब मैं इसको बेलूँगी। देखो पूड़ी ना ही पतली है और ना ही मोटी है, आप देख रहे होंगे अपने आप से। और हमने डाल दिया है इसमें पूड़ी, देखो डाल दिया है हमने और अब ये धीरे धीरे तल जाएगी। और मैंने ये पलट दिया है देखो, आग आप नॉर्म मीडियम जलाते रहें, मतलब बराबर आग लगेगा कढ़ाई के नीचे, तो आराम से ही पूरी तलेगी और आपको बहुत बढ़िया दिखने में भी लगेगी। अभी हुआ नहीं है, अभी थोड़ी और पूरी को हम होने देंगे। ये देखो हमारी एक पूड़ी आपके सामने बिल्कुल तैयार है। अभी मैं और डालती हूँ तो आप देखना मैं किस तरीके से तल रही हूँ। ये देखो मैंने ले लिया है और ये डाल दिया है हमने कढ़ाई के अंदर, तो आप देखते जाओ किस तरीके से तलेगी। ये देखो पूड़ी हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको पूड़ी कैसे बनानी है। पहले हम आटा लेंगे ये बड़े बर्तन में,
और फिर उसके बाद हम उसमें क्या क्या डालेंगे, अजवाइन डालेंगे, सूखी मेथी डाला था मैंने, नमक आपके सामने डाला था, बहुत अच्छे से गूंदा था, बहुत सॉफ्ट किया था, मैंने बताया था आपको। फिर कढ़ाई में तेल डाला है, रिफाइंड तेल, आप सरसों के तेल से भी कर सकते हैं और घी किसे भी तल सकते हैं, ऐसा नहीं है आप नहीं तल सकते हैं। तो मैंने इसमें फिर देखो पेड़ा बनाया है और ऐसे लेके तेल फिर उसी से ही मैंने बेल दिया है और देखो मेरी पूड़ी आपके सामने तल के तैयार है, जो कि आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होंगी कि फूल की कितनी टेस्टी और बढ़िया लग रही हैं पूड़ियाँ। तो जैसा मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो करें, कमेंट्स करें, और आपको जैसा हमेशा आपको बताते हैं हेल्दी खाना खाएं और स्वस्थ रहो बहुत ज़्यादा, और अपना भी ध्यान रखें और घर वालों का भी ध्यान रखें। और 26 जनवरी हर साल इसी तरीके से नया पकवान बना के, लोगों के साथ इंजॉय करके, दूसरों को विश करके, इसी तरीके से आप 26 जनवरी मनाते रहें। ओके, बाय बाय।